वृक्षा समय बढ़िया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स दूसरे साइड से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स हस्तपादासन जल्दी होगा तो एक बार बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लग रहा कर लेंगे इसलिए बोल दे रहा हूं। चलिए हस्तपादासन देखने से लग रहा कर लेते इसलिए थोड़ा कर दे रहे हैं। बढ़िया वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन समय स्थिति जोरदार ताली बजा दीजिए आप। हाँ बैठ जाइए। ताली में जाते रहेंगे तो अभ्यास में तो उत्साह बढ़ता रहेगा ना। चलिए थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, पसीने वगैरह पोंछ लीजिए। हाँ पसीना पोंछ लीजिए। आपको थोड़ा सा लगे कि असहज महसूस हो रहा है तो आप बोलेंगे थोड़ी देर रुक जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रारंभ करें आदिवासी इंद्रासन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स सामान्य स्थिति में आ जाएगी थोड़ा। तैयार है? गोमुखासन। गोमुखासन बोलेंगे करेंगे। सहज भाव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स दूसरे साइड से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स सामान्य स्थिति में आ जाए। आप लोग को देखिए जब अच्छे से अभ्यास कर आप लोग खुद ही अच्छा लग रहा होगा।
नहीं कोई बात नहीं, भावनाएं निकलने दीजिए, सही में अच्छा लगता है। चलिए तब पश्चिमोत्तानासन कर लीजिए। जब एक ही चीज बार बार समझाना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है। उत्तम प्रयास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। शशांक आसन। प्रारंभ स्थिति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। थोड़ा रिलैक्स कराइए, श्वास प्रश्वास दब गए होंगे थोड़ा सा फेफड़े। वक्रासन के लिए तैयार हो जाएंगे। दर्शक लोग एकाग्रता पेन के नंबर दीजिएगा आप लोग अपना जाके यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर, ठीक है। वक्रासन प्रारंभ करें। वक्रासन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। रिलैक्स। दूसरे साइड से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। रिलैक्स। बहुत सुंदर, वापस आ जाइए। बढ़िया। समय स्थिति ठीक है, तेज तो नहीं हो रहा है, गर्मी है ना, थोड़ा रुक जाइए। चलिए लेट जाइए और लेट के करने वाले आसन करेंगे हम लोग। श्वास प्रश्वास ले लीजिए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए एकदम, पूरा सब स्थिति सवासन। आप सभी को योग साधकों को एक मिनट के अंदर पूरी बॉडी को रिलैक्स होने की टेक्निक आनी चाहिए। मतलब एक मिनट आप लेटे तो ऐसा लगे जैसे फुल चार्ज हो गए ना। जो मोबाइल जल्दी चार्ज होता है और देर तक चलता है उसको ज्यादा लोग लेना पसंद करते हैं। उसी तरीके से भगवान खुश रहते हैं जो अपने शरीर को ज्यादा ऊर्जावान बना के रखता है, ज्यादा भगवान का काम करता है, कार्य करता है। योग भगवान का कार्य है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया है योग सर्वश्रेष्ठ है संन्यास और गृहस्थ दोनों से, ठीक है। अर्जुन को उन्होंने उपदेश दिया था ना, वो टेंशन में हो गए थे क्या करें, गृहस्थ बने संन्यास बने युद्ध करें, समझ नहीं आ रहा, बदल बदल की बातें बोल रहे हैं। कहें कि योगी बन जाओ, सब में सर्वश्रेष्ठ कार्य करो। आप सभी लोगों को जोरदार ताली बजाकर सबका स्वागत करेंगे। चलिए अब आप लोग करेंगे पूर्ण चक्रासन। पूर्ण चक्रासन प्रारंभ। बहुत ही सुंदर प्रारंभ स्थिति में जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। दर्शक ध्यान से देखें,
किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। आने जाने और मुस्कुराने का क्रम ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अभ्यास के लिए तैयार होंगे मानसिक रूप से, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, स्वतंत्र सक्रिय करेंगे हलासन का अभ्यास, श्वास प्रश्वास का विशेष ध्यान देंगे आप। जो भी मन में दर्शकों के मन में प्रश्न आएगा उसे नोट पैड पर लिख लेंगे, अंत में उसको चर्चा किया जाएगा। स्थिति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सम स्थिति। थोड़ा शरीर को ढीला छोड़ दे, श्वास प्रश्वास सामान्य, देन आप सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन अत्यंत लाभकारी अभ्यास, बच्चों को जरूर कराएं अभ्यास, लेकिन पहले खुद करें फिर बच्चों को कराएंगे। ये बच्चों के विकास के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, अगर सुविधा हो विद्यालय में तो जरूर कराना चाहिए बच्चों को यह अभ्यास, उनके मानसिक शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये इस आसन पे बहुत शोध हुआ है, और बच्चे जो शरारती होते हैं, बात आपकी नहीं मानते हैं, आप उनको एक बजे ये अभ्यास करा के दिखाइए, वो मानने लगेंगे आपकी बात। आप करके देखिएगा, क्योंकि पिट्यूटरी पिनियल हाइपोथैलेमस सक्रिय हो जाता है, स्टिमुलेशन होता है उसका, तो गलत कार्य करने का मन ही नहीं करता। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वह ईश्वर के समीप पहुंचने लगते हैं और सकारात्मक कार्य करने लगते हैं, मन लगने लगेगा अपने आप पढ़ने में, और लंबाई बहुत अच्छी बढ़ती है, बोलने कम्युनिकेशन विशुद्धि चक्र अच्छा होता है। इसलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण आसन है, विशुद्धि चक्र स्ट्रांग होगा तो बच्चे स्टेज क्लियर नहीं होगा, बोलने में प्रार्थना करने में डरेंगे नहीं, समझे। ये बच्चों को आसन जरूर करेंगे। चलिए अब आप करेंगे धनुरासन। देखिए जितने भी आपके आसनों का चुनाव हुआ है सीआरटी के द्वारा, बहुत ही उत्तम आसनों का चुनाव किया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पूरा समग्र स्वास्थ्य के लिए है, शरीर मन अध्यात्म सब कुछ। धनुरासन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। नेक्स्ट आसन के लिए तैयारी करेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि महत्वपूर्ण आसन है, और ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाए, आपका हृदय की गति स्थिर हो जाए, सामान्य हो जाए। जब सामान्य हो जाएगा तो फिर प्रारंभ करेंगे वृश्चिक आसन, ठीक है। जो कर पाएगा, विशेष रूप से सावधानी बता दे रहा हूं, जो सहज रूप से कभी किया है और कर पाएगा वही परफॉर्म करे, बाकी बैठ जाए पद्मासन लगा के, या पर्वत आसन कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ कर लीजिए दीवार सारे, लेकिन सुविधा के अनुसार, शक्ति के अनुसार जब हो पाए तो। चलिए प्रारंभ करेंगे, आप लोग क्योंकि तैयार हो चुके हैं, वृश्चिक आसन। रिलैक्स। जजेस नंबर दे रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं अभ्यास को, बहुत ही उत्तम, रिलैक्स हो जाए। बात थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए, फिर सूर्य नमस्कार किया जाए। आप भी करेंगे, ठीक है, रुक जाइए, आराम कर रहे हैं जी। वृश्चिक आसन का परफॉर्मेंस आप दीवार के सहारे से यहां पे कर सकते हैं, देखिए।
वन टू थ्री फोर फाइव, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बस बस वापस ठीक है। जजेस नंबर दे दिए हैं, अब आप लोग सहजता से अभ्यास करना है, अपने मैट पर आ जाए। मैट में लगे तो आगे देखेंगे, नेक्स्ट मैट में फिर आएंगे, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर सूर्य नमस्कार किया जाए, रेडी हो जाए, खड़े हो जाए अपने स्थान पर। मैट पे आगे की स्थिति में आ जाएंगे। जल्दी पार्ट आप लेके आ जाइए, रेडी हो जाइए।